नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दुबट फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ अपना एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फ्रेट एंड कार्टेज की बुकिंग कर सकते हैं अपने टैली वाउचर के अंदर। तो इससे पहले कि दोस्तों आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब जब मैं एक नए वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल के ऊपर आपके ऊपर सीधी की सीधी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो आया है और इससे आप अपनी नॉलेज को अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा वीडियो है फ्रेट एंड कार्टेज के ऊपर, तो इसी के साथ ये देखिए सबसे पहला केस लेके चलते हैं। इसमें हम कितने पहले आउटवार्ड फ्रेट है, आउटवार्ड फ्रेट के हमारे तीन केसेज हो सकते हैं। पहला आउटवार्ड फ्रेट जब हमारा ट्रांसपोर्टर इंटरस्टेट बैठा हो, आई रिपीट, जब हमारा ट्रांसपोर्ट इंटरस्टेट का हो तो उस वक्त आउटवार्ड फ्रेट इंटरस्टेट का केस होगा और हम इसका जो भी लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे आउटवार्ड फ्रेट इंटरस्टेट आगे जीएसटी एप्लीकेबल, ठीक है। अगर क्योंकि उसके ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। दूसरा होगा जी आउटवार्ड फ्रेट लोकल, जब आपका यह लोकल वो होगा फ्रेट, तब ऐसे केसेज में आउटवार्ड फ्रेट लोकल के नाम से आप अपना लेजर बनाइए। ऐसे ही जब आपका आउटवार्ड फ्रेट एग्जेम्प्टेड वो भी बनता है जब आपका फ्रेट एग्जेम्प्टेड केस में हो। अब एग्जेम्प्टेड केस में कौन सा होता है? एग्जेम्प्टेड केस में कोरियर का होगा, जैसे आप चाहे तो कोरियर चार्जेस के नाम से अलग से भी बना लेते हैं और उसके नाम से, लेकिन आप यहाँ पे जैसे आउटवार्ड फ्रेट हमने यहाँ पे बना जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, जिसके ऊपर कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं होती, मींस वो एग्जेम्प्टेड होता है। तो जब हम इसके ग्रुप बनाएंगे तो ये सारे के सारे, क्योंकि आउटवार्ड फ्रेट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है तो हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर खोलेंगे। और जो इनके क्लासिफिकेशन वहां पे जब टैली में आपसे क्लासिफिकेशन मांगे जाएंगे तो आप हम इसे देंगे इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल अगर इंटरस्टेट का है, अगर लोकल का है तो परचेज टैक्सेबल, अगर एग्जेम्प्टेड का है तो एग्जेम्प्टेड परचेज। जब आउटवर्ड फ्रेट होगा तो हमारे पास आईजीएसटी की लायबिलिटी होगी। दूसरा अगर आपका लोकल होगा तो एसजीएसटी और सीजीएसटी की लायबिलिटी होगी, इसी तरीके से। लेकिन इसमें क्या है कि इन अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में क्या होता है कि हम कम वे कहते हैं अगर कोई भी उसका जैसे सर्विस टैक्स में होता था वही अब फंडा जो है जीएसटी में भी एप्लीकेबल है कि द कंपनी हु पे द फ्रेट इज लायबल टू पे द जीएसटी आइदर सर्विस कंसाइनी और कंसाइनर। जो भी उस सर्विस को ले रहा है चाहे वो कंसाइनी हो या कंसाइनर हो, मींस जो माल ले रहा हो या माल दे रहा हो, कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी उसी की है फ्रेट जमा करवाने की। तो सॉरी, यहां पे हर एक केसेज में कंपनी की लायबिलिटी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने लेजर खोलेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो के अंदर, यहाँ पे हम अपना लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हमने अपना लेजर क्रिएट किया। थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम, थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है जी। यहाँ पे लिखा आउटवर्ड
फ्रेट इंटरस्टेट ब्रैकेट में कर दें RCM GST apply इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में खोलेंगे यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल आप यस करेंगे यहां पे डिटेल भरेंगे क्लासिफिकेशन को आप अनडिफाइंड रहने दें जैसे यहां पे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है तो आप लिखेंगे ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड अब इसका कोड है देखिए हमारे जैसे जितनी भी सर्विसेज 118 या 119 के आसपास सर्विसेज थी वही सारी की सारी आपकी सर्विस टैक्स में भी एप्लीकेबल है ये देखिए हर एक सर्विसेज का अपना कोड है मेरे पास ये लिस्ट अवेलेबल है जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं तो मैंने जो मैं अभी फिलहाल अपना केस लेके चल रहा हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी देखिए इसका कोड है 0044062 ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज GTA तो ये सारा का सारा इस चैप्टर हेडिंग के अंदर आता है एक और आता है अगर जो बाय एयर है उस ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयर इसका 044026 इसके अंदर आता है इसके ऊपर नॉर्मली फिलहाल जो जीएसटी है वो 12% है और जो आपका 0262 है इसके ऊपर आपका 5% की लायबिलिटी है तो अभी हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स की यहाँ पे फिक्स कर देते हैं 0440262 तो अभी यहाँ पे मैं कर देता हूं जीरो जीरो डबल फोर जीरो टू सिक्स टू क्योंकि मेरा यह इंटरस्टेट का केस था तो मैं यहां पे कर देता हूं इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल देखिए क्योंकि मैं इसे रिवर्स चार्ज के अंदर लेके चल रहा हूं मैं आपको जो केसेस दे रहा हूं वो रिवर्स चार्ज का अगर आपका रिवर्स चार्ज मतलब रजिस्टर्ड से है तो आप सीधा सीधा इसको उसमें बुक कर सकते थे इंटरस्टेट टैक्सेबल परचेज में तो आप यहाँ पे इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल मैंने इसके अंदर बुक किया और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स दे दिया 5% सेस कुछ नहीं सर्विसेज अब जैसे अगला दिया आउटवर्ड फ्रेट लोकल RCM GST not apply नहीं सॉरी अप्लाई तो जी बिल्कुल सेम उसी तरह की से जाएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड 0044062 अब आप यहां पे देखें परचेज टैक्सेबल इसमें ये परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल और आप यहां पे क्या करेंगे जी इंटीग्रेटेड टैक्स आपने 5% दे दिया सर्विसेज एप्लाई
ऐसे ही आपका कुरियर चार्जेस का बन जाएगा, या जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं है वो बन जाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे आउटवर्ड फ्रेट आरसीएम जीएसटी नॉट अप्लाई, या एग्जेम्प्टेड कर देंगे। आप इसे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से 00440262 ये देखिए एग्जेम्प्टेड है, तो इसे इसका टैरिफ इस टैरिफ में नहीं लेंगे। यहाँ पे इसे एग्जेम्प्टेड ही है तो एग्जेम्प्टेड ही रहेंगे। जीरो जीरो डाल दो आप इसे एग्जेम्प्टेड डाल देंगे। परचेज एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, ऐसे ही इनवर्ड फ्रेट के केसेस में करेंगे इनवर्ड फ्रेट इंटरस्टेट आरसीएम। जीएसटी अप्लाई आप इसको डायरेक्ट एक्सेस के अंदर लेंगे, क्योंकि इनवर्ड फ्रेट हमारा होता और बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसा का हमने इसमें लिया था 00444 सॉरी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड 00440262 और इसे क्योंकि इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, और आप यहाँ पे 5% डालेंगे। इनवर्ड फ्रेट लोकल आरसीएम जीएसटी अप्लाई, और हम इसे क्योंकि हमारा लोकल है तो हम इसे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल में लेंगे, और यहाँ पे 5% सर्विस। अब जाते हैं एंट्री के अंदर,
हमें मैंने जैसा कि पिछले अपने वीडियो में बताया था कि हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए अलग जेवीस बुक कर रखे हैं, तो हम अलग जेवीस के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आउटवर्ड फ्रेट इंटरस्टेट जीएसटी अप्लाई, मान लो मेरा ये 5600 का चार्जेज है, यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट का खोल देंगे। ये देखिए ट्रांसपोर्ट तो मैंने कैसे खोला हुआ है, संडे क्रेडिटर्स के अंदर है और ये जैसे ट्रांसपोर्ट है मैंने इसको दिल्ली का ले लिया। दिल्ली का इसलिए ले लिया क्योंकि मैं फिलहाल हरियाणा के अंदर बैठा हुआ हूँ। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ हरियाणा का, तो मैं हरियाणा के हिसाब से चलूंगा। मेरे लिए प्रकाश रोड लाइन जो कि दिल्ली में जिसका ऑफिस है मैं उसको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी नरेशन डाल देना, इससे कोई वो नहीं। अब देखना ये इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है। हम गए स्टेचरी रिपोर्ट्स के अंदर जीएसटी जीएसटी आर टू, ये देखिए जब मेरी बी टू बी इनवाइस के अंदर, ये देखिए मैंने कोई भी ध्यान से देखिए, मैंने सिर्फ जो मेरा बेसिक फ्रेट है वो डाला है, लेकिन उसके ऊपर जो जीएसटी अप्लाई है, जो जीएसटी की लाइबिलिटी है वो मेरी अपने आप मेरी लाइबिलिटीज के अंदर यहाँ पे शो करके देगा कि 200 रुपए का आपका इंटीग्रिटी टैक्स जमा करवाने की जो आईजीएसटी टैक्स है वो हमारी जमा करवाने की लाइबिलिटी हो गई है, वो हम मंथ एंड पे हम इसका चलान भर के हम इसको जमा करवा देंगे। लेकिन हमारा इस तरीके से ये हो गया बुक होगा आपका। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जब भी आप अपनी बुक करेंगे, मान लो आपका ट्रांसपोर्टर आपके आपकी ही सिटी में है, आपके स्टेट में है, और आपका कॉरपोरेट ऑफिस दूसरे स्टेट में है, तो कोशिश ये करो कि आप अगर जो आपको आईजीएसटी चाहिए, क्योंकि आईजीएसटी आपकी स्टेट में, आपको अगर जो सेल मान लो आपकी स्टेट की सेल कम है और इंटरस्टेट सेल ज्यादा है, जहां आपको आईजीएसटी की जरूरत पड़ेगी पे करने के लिए एडजस्टमेंट के लिए, तो आपको आईजीएसटी की ज्यादा नीड रहेगी। तो ऐसे केसेज में आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉरपोरेट ऑफिस से फ्रेट बुक कीजिए, जहां पे आपकी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप अपने उस कॉरपोरेट ऑफिस को डेबिट कीजिए। उससे क्या होगा कि जब वो उसके लेगा तो उसके लिए आपकी फ्रेट जो है वो आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, उसमें आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी का नहीं मिलेगा। जब भी आप उसकी पहले आप पे करेंगे, पहले उसे पे करेंगे और आपको आईजीएसटी ही मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि जहां आपका लोकल सेल नहीं है, लोकल सेल नहीं है और इंटरस्टेट सेल है, तो आप अपने उस सीजीएसटी और एसजीएसटी को कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो वही बात है कि आप आपको जरूरत होगी उस वक्त आईजीएसटी की ज्यादा, तो आप अपने आईजीएसटी के लिए बेहतर ये होगा कि अपने कॉरपोरेट ऑफिस से अपने उसको बुक कीजिए। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। F2 करके अगली डेट ले लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे
ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपने इसको बुक करने के लिए, सेल को बुक करने के लिए यहाँ पे जो अलग वाउचर बना रखा है मैं उसी में जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं एक इनवार्ड का केस लेके चलता हूँ। इनवार्ड ट्रेड लोकल, यहाँ पे मैंने जिसे 20,000 का मेरा फ्रेट बना टू करके मैंने पार्टनर में राधिका ट्रांसपोर्ट संडे क्रेडिटर्स के नाम से, ये मेरी हरियाणा की पार्टी है और मैंने इसको सीधा का सीधा यहाँ पे बुक दिखा दिया। अब मैं देखता हूँ कि ये मेरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है। ये देखिए जी, राधिका ट्रांसपोर्ट से क्योंकि मेरी 20,000 का फ्रेट की अमाउंट थी तो वो 500-500 रुपए की मेरी, यहाँ पे देखिए मेरी ट्रांजेक्शन को शो कर रहा है, 500 रुपए सेंट्रल टैक्स की लाइबिलिटी बन गई और 500 रुपए स्टेट टैक्स की लाइबिलिटी बन गई। तो इस तरीके से हम अपनी बुक कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे ही अगर जो हमारा कुछ एग्जम्प्टेड का केस लेके चल लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे का जैसे मैंने लगा कोरियर चार्जेस, कोरियर चार्जेज हमारे एग्जेम्प्टेड हैं तो उसमें यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देंगे। इसको आप एप्लीकेबल करके इसके परचेज एग्जेम्प्टेड में लेंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 4,000 रुपये कोरियर चार्जेस का मैंने कोर्स बुक कर दिया, ये लो जी 5,400 रुपये के हिसाब से मैंने बुक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मांगा जैसे मैंने इसके नाम से एक लेजर बना दिए, अब ये देखते हैं कि ये मेरा कहाँ जा रहा है, इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है। नील रिलेटेड के अंदर ये देखिए मेरा आ गया क्योंकि मेरा एग्जेम्प्टेड जो है वह नील रिलेटेड के अंदर शो हो रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने टैक्स की एडजस्टमेंट लेंगे, हम उसकी पे करेंगे। क्योंकि अभी ये जितना भी जैसे अभी ये इंटीग्रेटेड टैक्स है इसकी लाइबिलिटी होगी, हमने इसकी ट्रांजेक्शन तो वो कर दी लेकिन ये तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने खुद ही उठाया है कि इसके ऊपर इतनी इतनी ये बन रही है, तो जो भी हमारी लायबिलिटी बनी है तो इसको हम एडजस्टमेंट कैसे लेंगे वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी लंबा चला जाएगा, लेकिन आपसे फिर भी अनुरोध है कि जी अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।